क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति मौत के बाद जिंदा हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन अगर वो शख्स जिंदा होकर अपने घर वापस लौट आए तो परिवार वालों के लिए इससे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है। ऐसा ही कुछ कानपुर के कर्नलगंज में सामने आया, जहां पुलिस ने जिस शख्स को मुर्दा बता दिया वो शख्स जिंदा होकर लौट आया है। बताया जा रहा है बीती 5 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त पुलिस और परिजनों ने जिस लापता युवक के रूप में की थी, वो शुक्रवार रात को वापस जिंदा लौट आया है। जब उसे परिजनों और पुलिस ने देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद परिजन उस शख्स को थाने लेकर पहुंचे। वहीं परिजन ने बताया कि उनका शव यतीम खाना सड़क के किनारे पड़ा मिला, जिस पर उसकी पहचान अहमद के रूप में की गई और पोस्टमार्टम के बाद उसे विधि विधान से दफना दिया गया। सर, हमने नहीं पहचान करी, उनके भाई ने, दोनों भाई ने। शक्ल तो मिल रही थी? हाँ, शक्ल तो काफी मैच हो रही थी, सेम सेम हो रही एकदम। सर जो है मुझे कह रहे थे कि चेक कर लो एक बार। पुलिस का क्या कहना था? मामले में डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने बताया, कर्नलगंज में जिस युवक की मृतक के रूप में पहचान हुई थी वो जिंदा है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया, उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए, उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शिनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए, तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शिनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है नहीं की गई है, और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सुमेशन की जाएगी, एक्सुमेशन के बाद उसकी डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपरली शिनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कन्फ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ जिस शख्स को दफनाया गया उसके बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है ताकि उसके शनाख्त हो सके। कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।